हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन बीज टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब समझते हो कि नहीं? बच्चा बीएससी आई की पूछा टर्मिनोलॉजी क्या होता है, पता है आपको? मतलब इनके बारे में बताना, टर्मिनोलॉजी मतलब जो टर्म दिए हुए हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करना, बताना, लिखना जो भी है। पहला है सीक टाइम, सेकंड है रोटेशनल लेटेंसी, तीसरा है एक्सेस टाइम। इसमें तीनों कहाँ पे यूज है? सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और एक्सेस टाइम। अपना जो हार्ड डिस्क है, तो अपना हार्ड डिस्क है वो किस टाइप का बना होता है? सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ इन सर्कुलर फॉर्म, और इसके अंदर क्या होता है? तो हार्ड डिस्क बना होता है ऐसे 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 करके सर्कुलर फॉर्म में। इसके अंदर होता है ट्रैक और सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर। ट्रैक क्या होते हैं? जैसे मैं बता रहा हूं, एक मिनट समझना। हाँ बोल बोल। ये पटना शहर है, क्या है? पटना शहर है। इसके जो बड़े बड़े रोड है, बोरिंग रोड, बेली रोड, कंकड़ बाग, ये सब ट्रैक हो गए। और जब बेली रोड में आए तो राजा बाजार, आसियाना, शेखपुरा, ये सब सेक्टर हो गए, ये सब सेक्टर हो गए। अच्छा तो सीक टाइम का मतलब हुआ, जैसे आपका हार्ड डिस्क है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, दूसरे ट्रैक से तीसरे ट्रैक, तीसरे ट्रैक से चौथे ट्रैक। जैसे तुम लोग पहाड़ों पे घूमने गए हो, ऐसे ऐसे होता रास्ता। नीचे जाना है तो पूरा घूम के जाना है, तो वो क्या है? ट्रैक सर। है। वो क्या है? ट्रैक है। और उसी में फिर सेक्टर बने होते। पे जो पहुंचने में जो टाइम लगता है सर, वही होता है टाइम। हाँ, अब क्या हुआ? एक मान लो एक ट्रैक से, मैं एक इमेज भी दिखा दूंगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में, दूसरे ट्रैक से तीसरे पे जाने पे, तीसरे से चौथे पे जाने पे जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक टाइम। तो टाइम सेक्टर ट्रैक बटा होता है किसमें? सेक्टर में। ट्रैक किसमें बटा होता है? सेक्टर में। में तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, इसका क्या है? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब हुआ, आप अपना व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो कितना जल्दी खुलता है? पूरा 1-2 सेकंड या और तुरंत खुलता है। जो खुलने का जितना टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेस टाइम बोलते हैं। जैसे हम गए अपने ड्राइव में, गए मूवी देख रहे हैं, तो मूवी पे जाके क्लिक किए तो थोड़ी खुल जाता है, क्लिक कर खुल गया, लगता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगता है। उस टाइम को आपके एप्लीकेशन को खुलने में जो लगता है समय, एक्सेस होने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ट्रैक सेक्टर का थोड़ा फोटो दिखा दूं, नहीं? और हार्ड डिस्क अपना बना कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्मेट में। इन्हें लिख देना रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, उसमें सीक टाइम। दिख रहा आप लोग को ऑनलाइन? नो सर, सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा शेयर कर दें, कैमरा में देख रहा है सर? नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन शेयर कर से देता कुछ हूं, नहीं। घबराओ मत। यस सर। दिखा? यस सर। नो सर, दिख यस गया सर, सर। दिख गया। तो आपका हार्ड डिस्क कैसे बना होता है? इसी फॉर्म का होता है, इसी फॉर्म का कोड कोलम्बर होता है। ये क्या कहलाते हैं? इधर ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक, ट्रैक, ट्रैक बोलते हैं सर। ये सब क्या है? ट्रैक, ये सब क्या है? ट्रैक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक 1 यहाँ तक, ट्रैक 2 इसको बोल सकते हैं,
ट्रैक थ्री इसको बोल सकते हैं, ट्रैक इसको फोर बोल सकते हैं। तो ट्रैक वन से ट्रैक टू पे जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, जो आपका रीफ जाएगा कौन, जब देखो तो पढ़ाने देता है ना स्टूडेंट्स। ट्रैक वन में क्या है, रीड राइट मोड। रीड राइट मोड मतलब समझते हैं आप लोग, हार्ड डिस्क में लिखते हैं, हार्ड डिस्क में आप कुछ भी लिखते हो, डेटाबेस में लिखते हो, डेटाबेस में 10 टेबल पहले से बना हुआ है, 11वां लिखोगे तो कौन सा ट्रैक है, कौन सा सेक्टर है, न्यू ट्रैक में जाएगा ना। अगर पहले ट्रैक में जाएगा फिर कहां जाता है, सेक्टर में। अगर नया सेक्टर में जगह नहीं है तो नया ट्रैक पकड़ लेगा, पकड़ेगा कि नहीं। आप ही कभी कभी देखते होंगे, तो रीड राइट मोड है, देखो लिखा होगा रीड राइट हेड। तो आप लिखते हो ना, हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, डेटा डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, कैसे होता है, मेमोरी के थ्रू होता है, प्राइमरी मेमोरी थ्रू हुआ और जाके बाद में कहां स्टोर हुआ, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में गया तो पहले वो ट्रैक चेंज किया कौन सा ट्रैक में है, फिर ट्रैक के बाद वो कहां गया, सेक्टर में। ट्रैक के बाद कहां गया, सेक्टर में। आप देखते हो कि कोई प्रोग्राम बनाते हो, 10 वेरिएबल लिख देते हैं, 10 फंक्शन लिख देते हैं, लिखते हैं क्लास नेम बना देते हैं, सबका हार्ड डिस्क में सब जा रहा है, तो सबका ट्रैक और सेक्टर अलग अलग होता है। तो ट्रैक मतलब समझ गए, एक yes, ट्रैक फोर ट्रैक, ठीक है। आप देखो अब सेक्टर आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन, यस सर दिख रहा है। हाँ, अब ट्रैक को जैसे ये ट्रैक को कितने भाग में बांट दिया, सेक्टर में। अच्छा मान लो चार ही ट्रैक है उसको, और चारों ट्रैक में हम लोग चार चार सेक्टर बना देंगे, बना सकते हैं कि नहीं, हर ट्रैक में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कितने ट्रैक और कितने सेक्टर हो जाएंगे, चार ट्रैक है और सब में मैंने चार चार सेक्टर बना दिया, अब क्या कितना रहेगा, सेक्टर कितना हो जाएगा, ट्रैक कितना रह जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। आपस में ट्रैक वाइज अगर हुआ, ट्रैक वन से ट्रैक सिक्स तक जा रहा है, ट्रैक वन से ट्रैक टेन तक जा रहा है, रीड राइट मोड डेटा जा रही है, रीड राइट मोड डेटा इनहोल कर जाता है, चाहे वो इमेज के रूप में ले लो, ग्राफिक्स के रूप में लिख लो, प्रोग्रामिंग के थ्रू ले लो, जो भी लेना आपको। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने वाला जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलेंगे, सीक टाइम। हाँ, और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जाने वाले टाइम को रोटेशनल टाइम, रोटेशनल लेटेंसी। यस सर, इसको डिले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। अब एक्सेस टाइम आप समझ गए होंगे कि किसी भी, जैसे मान लीजिए मूवी रखा हुआ है ड्राइव ई के अंदर, ड्राइव एफ के अंदर मूवी रखा हुआ है, गेट ड्राइव एफ में, तो ड्राइव एफ को जो आप क्लिक किए, सेकंड दो सेकंड लगा, उसी को एक्सेस टाइम बोलेंगे। फिर गए मूवी पे क्लिक किए, फिर सेकंड दो सेकंड गए, उसको क्या बोलेंगे, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने में जो टाइम लगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम, बस और कुछ नहीं है। सो लेटेंसी मींस, देखते हैं। हाथ कंगन पारसी का नेट तुम्हारे सामने है सर। हाँ सर, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंसी। देखो, लेटेंसी इज द टाइम दैट पासेज बिटवीन ए यूजर एक्शन एंड द रिजल्टिंग रिस्पॉन्स। सुनो, जैसे यूजर एक्शन एंड रिजल्टिंग रिस्पॉन्स, जैसे हम आप जब वेब ब्राउजर, तो लेटेंसी का डिफिनेशन इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, लिख देना, इतना ही बहुत है, ठीक है। ओके सर, क्लास आएगा नहीं, अब भुकाते रहे। जैसे आपने किया, यहाँ पे क्या डाला, facebook.com डाला, yahoo.com, youtube.com, gmail.com, तो आप यूजर हैं, आपने रिक्वेस्ट किया,
प्रोसेस वेब सर्वर से आकर वापस रिस्पॉन्स आपको मिला, यही टाइम को बोलते हैं लेटेंसी। यूजर एक्शन जो किए और वहां से जो रिजल्ट आपको मिला, इसमें आप वेब ब्राउजर से रिजल्ट लेते हो। और स्लो जैसे डेटाबेस में यूजर ने क्या किया, इंसर्ट यूजर नेम पासवर्ड। आप जैसे मोबाइल अपना चलाते हो, आप कहते हो कि पासवर्ड डालो, आप तो बच्चे इतने तेज है व्हाट्सएप पर पासवर्ड सब पासवर्ड लगाए रखते हैं, तो कैसे ही खोले टाइम लेता है, पासवर्ड डाले चिन्ह वाला जो होता है उसको क्लिक किए तब जाके वो एप्लीकेशन खुलता है। तो मतलब आपका जो यूजर एक्शन एंड गेट रिस्पॉन्स बैक, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। हाँ ऑनलाइन बताओ कुछ कहाँ समस्या है तुम लोग को, क्या सर कहाँ प्रॉब्लम है, लिख लो। व्हाट इज लेटेंसी, लिख लो। लेटेंसी इज द टाइम, लिखो लेटेंसी इज द टाइम दैट पासेज बिटवीन ए That passes between a user action that passes between a user action and the resulting response and the resulting response। अब देखो इंटरनेट लेटेंसी क्या होता है, ऊपर देखो इंटरनेट लेटेंसी इज द डिले दैट अकर्स व्हेन यूजर्स रिक्वेस्ट वेब रिसोर्सेज। इंटरनेट लेटेंसी, अब नेटवर्क लेटेंसी क्या होगा, क्वेश्चन निकल सकता है ना। नेटवर्क लेटेंसी क्या है, सर्वर लेटेंसी क्या है, आप सर्वर से रिक्वेस्ट किए तो रिस्पॉन्स करने में जो टाइम लगा आपने रिक्वेस्ट किया एज ए यूजर और वहां से रिस्पॉन्स आया, दैट इज सर्वर लेटेंसी। डेटाबेस लेटेंसी, हाँ टाइप्स ऑफ लेटेंसी कितने होते हैं सर, अब डेटा बता रहा हूँ। डेटाबेस लेटेंसी क्या हुआ, आपने डेटाबेस से रिक्वेस्ट किया और रिस्पॉन्स करके दिया, जितना भी टाइम लगा दैट इज डेटाबेस लेटेंसी। अब इसको देखते हैं, बता रहे हैं एक मिनट। टाइप्स ऑफ लेटेंसी इन, गलती शब्द हो गया, टाइप्स ऑफ लेटेंसी इन कंप्यूटर। सर जितना है उतना ही बताइए ना, वो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो सुन लो, सीपीयू लेटेंसी, ऑडियो लेटेंसी, वीडियो लेटेंसी, वो तो समझने की चीज है। अरे आप रिक्वेस्ट किए जो रिस्पॉन्स होने में जो समय लगा, हाँ अब आप लोग समझ गए सीक टाइम और सब कुछ। हेलो यस सर, अब क्वेश्चन शेयर करने दो ना, यस सर कर रहे हो ठीक है, अब लिख लोगे एग्जाम में सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और एक्सेस टाइम। अब है ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेजाज में बीएससी आईटी को पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या, सब कंफ्यूज पड़ गए, क्योंकि ईमेल कई सर ईमेल हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर हमको सर ईमेल बताया, ठीक है बताए होंगे, उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऐसा सिलेबस में ईमेल लिखा हुआ हम करीब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म हो गया, ये इसके 444 का बच्चा बीएससी आईटी 444। हाँ ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल में किसी को डाउट, आप लोग बताइए ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को प्रॉब्लम है ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल में? नो सर, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सर, yes, सर फिर से बता दीजिए, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग सर, कोई भूल बताना पड़ेगा मुझे, ऑनलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन डेटा एंट्री क्या होता है, आप
ऑनलाइन कोई चीज जैसे आपका फॉर्म भर रहे हैं, आप कोई सा भी गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, कोई सा एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, क्या है वो, मतलब जिसमें इंटरनेट जुड़ा हुआ हो और आप अपना डेटा पे प्रोसेस कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन डेटा एंट्री। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मेल पता है कि डाउट है किसी को? अगेन सर डाटा प्रोसेसिंग। हाँ बताओ कहाँ डाउट है बताओ। डाटा प्रोसेसिंग ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मतलब हुआ, ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मतलब कि गूगल डॉट फॉर्म, गूगल का वन ड्राइव खुला हुआ है, गूगल का वन ड्राइव खुला हुआ है, अब आप उस पर कुछ फिलअप कर रहे हो, अटेंडेंस भर रहे हो, ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग। सर आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है सर। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं या तुम्हारी क्लास अभी हम जो ले रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग। या मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप ओटीपी प्राप्त कर रहे हैं, सब ऑनलाइन प्रोसेसिंग का पार्ट है। बात समझ रहे, जहां इंटरनेट एड हो गया दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है ओके सर। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन फिर इससे। सर बोलिए, आप बता दीजिए सर, पढ़ा दें। यस सर। ईमेल लिखो, ईमेल लिखो फिर, पढ़ने तुमको ईमेल है तो बताओ क्या करें। हाँ लिखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए टर्म थ्रू विच वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज कॉमा डेटा कॉमा ग्राफिक्स कॉमा वीडियोज कॉमा पीडीएफ फाइल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। आप अपना डॉक्यूमेंट भी भेज सकते, अपना सिग्नेचर भी भेज सकते, अपनी मार्कशीट भी भेज सकते। ठीक है, ईमेल में दो चीज होता है, कोई बताएगा, सीसी और बीसीसी। जब आप किसी को मेल भेजते हो तो पहला ऑप्शन आता होगा टू, उसके बाद सीसी, फिर आता है बीसीसी। कोई बताओ, तीनों बताओ, कोई बच्चा बताएगा तो बताओ, टू सीसी बीसीसी क्या होगा? टू सीसी का मतलब सर हम किसके पास और किसके पास भेज रहे हैं, उसके एड्रेस, जैसे उसके मेल के एड्रेस को वहां पे लिखते हैं। और टू बीसीसी का मतलब सर होता है कि हम किस सब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, किस सब्जेक्ट पे हम उसको भेज रहे हैं, किस पर्पस से भेज रहे हैं, उसको वहां पे लिखा जाता है। नहीं, टू सी जान लो, टू का मतलब हुआ किस बंदे को भेजना है, उसका ईमेल आईडी लिखते हम एड्रेस इनपुट कर देंगे। नहीं तो एक से ज्यादा बंदे को भी एक साथ हम कॉमा करके हम एक से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं। सीसी का मतलब हुआ कार्बन कॉपी। यस सर। और बीसीसी का मतलब हुआ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे हमको भेजना है, पूरी टीम को मेल भेज दिया, मैंने बीसीसी डायरेक्टर को भी लगा दिया, कंपनी के मालिक को भी लगा दिया, लेकिन वो किसी को दिखेगा कि नहीं कि ये मेल उसको गया है, कल जिसको गया है वही पढ़ सकता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल आप भेजते हैं, कॉन्फिडेंशियल जिसको कहेंगे कि टू लगा दिया जिसको भेजना है और बीसीसी में हम उसको डाल दिए, तो दूसरे को पता नहीं चले ये मेल किसको गया है। टू में आप जिसको भी भेजते हो सबका पता चल जाता है, सीसी में पता चल जाता है किसको गया है मेल। बीसीसी में आपने भेज दिया कंपनी के मैनेजर को, मालिक को, डायरेक्टर को, तो
तो वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, मतलब उससे हाइड करने के लिए। देखो टू से भी मेल ही जाएगा, सीसी से भी मेल ही जाएगा, बीसीसी से मिल जाएगा, लेकिन टू में या सीसी में मान लीजिए 50 आदमी का जाता है तो सबको पता चल जाता है ये मेल किसको किसको गया है। टू में एक साथ हम कितने मेल भेज सकते हैं? तो दिख जाता है ना कि इतना मेल इस व्यक्ति को गया है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, उसमें पता चल जाता है कि मेल किसको किसको गया है। बीसीसी में हम भेजना चाहें वो किसी को पता नहीं चलेगा, केवल साधु को पता चलेगा कि हाँ। ठीक है, समझ गया आप लोग ऑनलाइन? यस सर, यस सर, यस सर। अब है व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से क्या समझते हैं आप लोग? आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का मतलब, आपको वेरिएबल लिखना चाहिए ऊपर, मेन फंक्शन ऊपर लिखना चाहिए कि नीचे, कहाँ पे से कर्ली ब्रैसेस दिखाएगा, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ फंक्शन लिखा जाएगा, कहाँ वेरिएबल लिखा जाएगा, सबका एक स्ट्रक्चर है। ऐसे थोड़ी है कि वेरिएबल लिख देंगे नीचे जाकर, फंक्शन लिख देंगे सबसे ऊपर, लॉजिक बीच में, प्रोग्राम चलेगा लेकिन इट विल गिव एरर एंड एरर। उसमें क्या करना पड़ता है अपन लोग को? वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर, वी हैव टू फॉलो द, जैसे सी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, जैसे उसमें पहले लिखे हैश इंक्लूड एसटीटीआर डॉट हैश इंक्लूड कॉन्गो डॉट, उसको नीचे लिखे तो क्या होगा भाई? उसी के अंदर सारे फाइल्स हैं, हेडर फाइल कहां से पकड़ेगा प्रोग्राम? मैट फंक्शन का लॉजिक ऊपर लिखना है, लिखे नीचे मैट डॉट एच, कहां से पकड़ेगा उसको, कहां से मिलेगा? जो चीजें जहां है उसको तो उस ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा, तब तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा। वेरिएबल लिखना है इंट ए, हम लिखते हैं इंट ए 20 बार लिखते हैं, वेरिएबल कितना लेंदी हो जाएगा वो? नहीं कर जाएगा। अब उसी को बार बार यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के 20 बार ऑब्जेक्ट में ए लिख रहे हैं, न्यू ए, काम क्या होगा? तो स्ट्रक्चर उसको हमें फॉलो करना है। अब है एक्सप्लेन इन ब्रीफ, रैम और रोम। रैम रोम आप लोगों को पता है? रैम रोम ऑनलाइन, यस सर। रैम रोम प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी है सर, प्राइमरी है। नहीं, क्लास में कोई बता रहा है रोम ये सेकेंडरी है, तुम लोग प्राइमरी बोल रहे हो। प्राइमरी है सर, क्लास में गलत बता रहा है, रोम गलत बता रहा है, क्लास में गलत बता रहा है सर, सब पढ़े नहीं है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, तुम लोग सही बोले। रैम और रोम सुन लो, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है। यस सर, ठीक है। रैम रैम को रैम वोलेटाइल होता, रोम वोलेटाइल होता कि नहीं? नो सर, वोलेटाइल होता तो बोल दिया, होता है कैसे? होता है, किसने बोला कि रोम वोलेटाइल होता है? कोई नहीं बोला सर, सब बोला नहीं होता है सर, नॉन वोलेटाइल ही बोल रहा है सर। ठीक है, रैम इज ए वोलेटाइल, रैम एंड रोम बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, बट रैम इज ए वोलेटाइल, रोम इज नॉट वोलेटाइल। ठीक है, यस सर, यस सर। और क्या उसके बाद? ये सब पढ़ लेना घर पे हैं। हाँ, अब देखो मैं अब वो सब घर पे पढ़ लेना, ईपी रोम डबल ईपी रोम है। अब हुआ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक टेप इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। चीज होता है एसएएसडी होता है, डीएएसडी होता है, और ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये ना समझ लेना कि प्राइमरी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का केवल पार्ट होता है रैम और रोम, सेकेंडरी में और जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव,
सब किसका पार्ट है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं। एग्जाम में अगर एक्सटर्नल आ जाए तो एक्सटर्नल मतलब सेकेंडरी समझ लेना, सेकेंडरी आ जाए तो समझ लेना एक्सटर्नल आएगी। कंफ्यूज मत हो जाना, जानते हुए फिजिक्स मत पाना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक टेप क्या है? यस ए यस डी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल का क्या मतलब? वन बाय वन, जैसे ए टू जेड लिखा हुआ है, ए टू लिखा हुआ है, अगर जेड तक जाना है तो पहले ए पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, उसी तरह जेड पे पहुंचेगा। और मैग्नेटिक टेप इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ डी ए एस डी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस मतलब अगर ए ए से जेड है तो और हमें जेड पे जाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एस ए एस डी और डी ए एस डी? डीएसटी होगा, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अगर हम आपसे कहें कि डिफरेंस लिखना है तो इतना से लिख लोगे, कुछ ना कुछ बना के कहानी। जैसे कोई बताए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसएएचडी और डीएसडी, क्या अंतर होगा? सर इसमें टाइम टेकन ज्यादा होगा, एसएएचडी से डीएसडी फास्ट होगा, हाई टाइम एंड करेगा, लॉस्ट टाइम डीएसडी लेस टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस डीएसडी का ज्यादा अच्छा होगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड कर जाएगा और मेमोरी यूटिलाइजेशन उसमें ज्यादा अच्छा होगा और इसमें नहीं अच्छा होगा। प्रोसेसर को काम किसमें ज्यादा करना पड़ जाएगा? सबसे डीएसडी में जाना है, डीएसडी में एक बार आप लगाए और वहाँ पहुंच गए। जैसे आप ऐसे लाइव एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आप बैंक गए, आपने बोला कि मेरा अकाउंट नंबर है 1001। सिंपल सी बात, पहले जमाने में क्या होता था आपके फादर के टाइम में, आपने भी देखा होगा, पहले निकलता था रजिस्टर, फिर पलट रहा 1 2 3 4 5, एक घंटा पेज उलट रहा, तब आपका पेज जाके मिलता था बैंक में, फाइल बहुत मोटा होता था। अब क्या आपने पता है अकाउंट नंबर 1001 कितना देर में बताता है बैलेंस कितना है? जान पहचान का तो 10 सेकंड नहीं लगता है, जान पहचान संबंध आपका अच्छा है तो 4 मिनट आपको तंग करेगा। पहले क्या होता था? तो एसएएचडी बैंकिंग में आप समझ गए, एसएएचडी डीएचडी पहले रेलवे रिजर्वेशन में होता था, कितनी सीट बुक है पटना से दिल्ली के लिए, पहले रजिस्टर पलट रहा है कलर, हाँ 32 सीट है, 8 सीट खाली है। अब क्या है, इंटरनेट पे आप गए तुरंत खोले, हाँ इतना सीट खाली है, तो रजिस्टर वाला जो सिस्टम है वो एसएएचडी में आ जाएगा और डायरेक्ट जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग करते हैं डीएचडी में आ जाएगा। और मैग्नेटिक टेप एसएएचडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और मैग्नेटिक डिस्क डीएएचडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आ गया सीडी तो पता ही होगा, कि सीडी भी नहीं पता है उसके तो मास्टर हो गए सर। डीवीडी डीवीडी ज्यादा अच्छा होता है, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, सब कुछ ज्यादा होता है। सीडी डाटा सर स्टोर होता है। देखो सीडी भी 2-3 प्रकार का होता है, मालूम है कि नहीं? राइटेबल, एक बार लिखा गया फिर दोबारा उस पर डेटा नहीं हो सकता। एक होता है उसको इरेज करेंगे फिर हो सकता है डाल दें और एक बार, और एक होता है बार बार रीड और राइट कर सकते हैं, मतलब बार बार इरेज कर सकते हैं डेटा राइट कर सकते हैं, इस तरह होता है, तीन प्रकार का होता है। डीवीडी भी उसी टाइप का होता लेकिन इसकी रेंज ज्यादा होती, सीडी 600 या 700 MB ले पाता है, डीवीडी 1.5 GB 2 GB तक का भी आता है। उसके बाद क्या है, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, ये पढ़ लेना मेरे दिमाग में भी है। सर डीवीडी स्टैंड फॉर? यस सर, फोर नंबर ऑफ फाइल सर, फोर फाइल तुम्हें बता रहे हैं, अब इसको बता रहे हैं डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो, एक मिनट बता रहे हैं फुल फॉर्म हनीश पूछता है।
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम क्या क्वेश्चन एक मिनट कौन सा पूछे वो है बगल अगल में नहीं रहता है मार्कर क्या है इसमें है क्या तुम ये नहीं पढ़े थे जिसे नंबर करवा जाए बाकी नंबर टू डेसिमल में कैसे बनाते हैं जैसे इसमें कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें इधर से चलेंगे राइट साइड से इधर से चलेंगे 1 × 2 power 8 फिर 1 × 2 power 7 फिर 0 × 2 power 6 फिर 0 × 2 power 5 डेसिमल को बाइनरी में करने के लिए याद है डेसिमल से बाइनरी मान लो कितना है 2 5 7 तुम लोग क्वेश्चन राइट करेंगे दो से सर हम ऐसे ही जानते हैं भाई कितना हो जाएगा इसका कितना जीरो है 2 3 4 5 6 7 ये हो गया बाइनरी ठीक है बाइनरी का बेस 2 भी होता है ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर क्या करना होगा पहले इसको बाइनरी में चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बता देते हैं ये खुद करना हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बनाने के लिए पहले हम उसको डेसिमल में बनाएंगे सुनो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बनाने के लिए मान लो बच्चे को तो दिन भर आते रहना हाँ ये मैं बता देता हूँ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल 1 F F की वैल्यू कितनी होती 15 इसको पहले हम डेसिमल में बदलेंगे डेसिमल मतलब 0 1 2 ये ना ये सब चीज में हो जाता है कहीं तो बनाया अब पहले देखो इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे सबसे पहला तरीका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में इसको डेसिमल में फिर डेसिमल को ऑक्टल में दिखा रहा हूं रुक जाओ बाइनरी से डेसिमल में किया इस तरह जो किए थे सर पहले इसको बाइनरी में नहीं कर सकते हैं कौन भाई देख रहे हैं क्या है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल
क्या हो गया आपको सर? अलग अलग तोड़कर उसका बाइनरी निकाल कर उसके बाद में 4-4 उसका एक सेटल करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा। क्या करना है सर? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल निकालना है सब लोग को। हेक्साडेसिमल से बाइनरी करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा, उनके हेक्साडेसिमल से बाइनरी। यस सर, रोशन सही बोल रहा है। हां सही बोलते हैं, आप हमेशा सही बोलते हैं। पावर जीरो जोड़ 15 गुने 2 पर पावर 1 जोड़ 1 गुने 2 पर पावर 2, ये कितना हुआ? 15 प्लस 30 2 गुने 4 हुआ ना 49। फिर इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, आई थिंक 7 आंसर आएगा। तरीका ही है बाइनरी ऑप्शन कन्वर्जन में, अगर आप देखो प्रैक्टिस में रहेगा कोई भी आदमी तो स्लिप मान देगा। नहीं पावर जो है तो बढ़ते जाकर 8 तक चल जाएगा, ऑप्शन में तो दूसरी पावर दशमलव वाले में पता होगा कि दशमलव लोग इसीलिए नहीं दिए कि अभी क्या है, सब बना लेगा। क्वेश्चन ही आउट हो गया तो बनेगा नहीं, अभी नहीं बने तो दुखद है। हो जाएगा सर, दशमलव वाला भी डाल दीजिएगा सर। आपका आलम डालेंगे सर। हाँ और कुछ गेस कीजिए सर, पूरा क्वेश्चन दे दिया सर। तो क्वेश्चन दे दिया, तुमको क्या गेस चाहिए? पूरा फंडामेंटल है सर, एसी में खाली सुतता है। एग्जामो दे दो, एग्जामो दे, अब एग्जामो का सर दे देंगे तुमको बदले। अब देखो सर, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ब्रीफ। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या रोल्स? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सीपीयू ट्यूनिंग, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सर यूजर इंटरफेस टाइप्स में क्या क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के? सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टीयूजर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हो जाएगा सर। ये सब लिखे लोगे किसे बताना होगा? बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग, व्हाट डू मीन बाय बैच प्रोसेसिंग? बैच प्रोसेसिंग क्यों यूज किया जाता है? हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है, रियल टाइम का दो पार्ट होता है, हार्ड और सॉफ्ट, रियल टाइम। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? एक टाइप का बैच, एक टाइप के जॉब का हम बैच बना लेते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का हम क्या करते हैं? बैच बना लेते हैं, तब उसको हम एक पूल में ले जाकर एग्जीक्यूट करा देते हैं। और उसमें बैच प्रोसेसिंग में ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन में आप लगा दिए कि इस पेज को 100 कॉपी निकाल लो, आदमी शुरू में किया, फिर आदमी खड़ा हो गया, अलग 100 निकल गया, फिर आदमी इंटरवेन किया। तो बैच प्रोसेसिंग में मिनिमल इंटरफेरेंस है, मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ यूजर, यूजर कम से कम इंटरफेयर करेगा। बैच बैच बना दिए माने 100 टास्क का बैच बना दिए, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कराएगा। सीपीयू थोड़ी कराता, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, समझ गए? मल्टी प्रोग्रामिंग पता होगा, इसमें कोई इतना बोलने की जरूरत नहीं, इसे बोलना पड़ जाए। मल्टी प्रोसेसिंग में, रियल टाइम में, टाइम शेयरिंग में, ये बताऊं? टाइम शेयरिंग में होता है, एक सर्वर होता है उससे डेटा या पता डेस्टर में नीचे मिलता है क्या? एक्सटर्नल एग्जाम तक सब बढ़िया हो जाएगा बच्चा सर।
P1, P2, P3, P4, P5 कितने प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं? पांच चल रहे हैं। P1 को कंप्लीट होने में 40 मिली सेकेंड लगेगा, वो टास्क जो है 44 मिली सेकेंड का है। ऐसे कभी कभी आप करते होंगे खुद कि तीन चीज कॉपी पेस्ट में लगा देते होंगे आप लोग, कभी करते होंगे सारे बच्चे। यस सर। कोई जल्दी होकर रुक जाता है, कोई होता है, कोई और समझ लेता है। ये 47 मिली सेकेंड चाहिए, इसमें 59 चाहिए, इसमें 38 चाहिए, इसमें 17 चाहिए। इतना मिली सेकेंड चाहिए सबको अपना काम खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, टाइम स्लाइस बना दिया। टाइम स्लाइस किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। क्यों बनाता है वो? क्योंकि रिसोर्स तो उसी को देना है ना। सारा जो चीज आपको देगा वो तो आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, वो अपने हिसाब से। तो उसने सब टास्क करने के लिए, हर टास्क के लिए 10 मिली सेकेंड कर दिया। जब फर्स्ट राउंड में टास्क चला, फर्स्ट स्टेप चला, तो इसका 34 बच गया, इसका 37 बच गया, इसका 28.7। फिर सेकेंड राउंड जैसे ही आया, सेकेंड राउंड आया और इस प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना, फास्ट जाना, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सेकेंड का हो गया 24, 27 बच्चा, ये हो गया एग्जीक्यूट कर गया, P5 का काम हो गया 10 मिली सेकेंड। नहीं, फिर आ गए थर्ड स्टेपिंग में, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गया थर्ड राउंड। अब कितना बचा इसमें? अब आगे फोर्थ राउंड, 4, 7, 19 और ये फिफ्थ में आ गए, रही वो पहले सिक्स्थ में आए और हो गया। ये हुआ। आप टाइम शेयरिंग को कह सकते हैं, वी कैन से टाइम शेयरिंग इज ए एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप देखते होंगे, एक साथ सारा प्रोसेस आप कैसे कभी देखना कि आप डाउनलोड भी लगा दिए, अपलोड भी लगा दिए, मेल भी खोल के बैठे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, दूसरे प्रोसेस को जाने को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। और ये करता कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? शेड्यूलर। ठीक है, अटेंडेंस किसको कहो भेज देगा सर? शेड्यूलर नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोई भी करता है, करने दो ना किसी को भी। हाँ, ऑनलाइन। यस सर। यस सर। और कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ सर। सर हाँ, डुप्लेक्स सिस्टम प्रॉब्लम है सर, बताइए। हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स क्या है 21 क्वेश्चन में? यस सर, प्रॉब्लम है ये सब बताइए सर। मेन मेन चीज तो बता ही नहीं सर, पहली बार नाम सुन रहे हैं हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स क्या है। हाफ डुप्लेक्स यस सर, कंप्यूटर फंडामेंटल में है क्या? नेटवर्किंग के फंडामेंटल सर, ये तो पढ़ाई भी नहीं है सर आप हम लोग को डुप्लेक्स। यस सर, आज पहली बार नाम सुन रहे सर। क्वेश्चन नंबर 8 डुप्लेक्स नहीं बताए सर।
ठीक है तुम लोग की एक क्लास हम ले लेंगे वहां पे सारे बच्चे वहां पे आओगे पाटलिपुत्रा में सैटरडे को सारे बच्चे को थोड़ी जाना है सर सारे थोड़ी जाएंगे सर जो रजिस्टर्ड है सर रजिस्टर्ड है वही जाएगा हेलो सर तुम लोग आ जाना पढ़ा देंगे एक घंटा क्या आफत हो रही है सर हमको ज्यादा दूर से जाना पड़ता है के दिन बता दीजिएगा किलोमीटर सर आना पड़ेगा दो घंटा जाए में लगता है सर 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 लंबा आ जाएंगे अब अटेंडेंस लेने जा रहे हैं रुक जाओ अच्छा अटेंडेंस ले 40 बच्चे हैं यहाँ तुम फोटो खींचो जल्दी मीटिंग एंड करेंगे सर ऑनलाइन का ले लिए हैं ऑफलाइन का ले लीजिए उधर से ठीक है मेरे मोबाइल पे भेज दो यहाँ भी भेज दो बंद कर रहा हूँ मैं सिस्टम मेरे मोबाइल पे आ गया भेज दे रहा सर बंद कर दीजिए सर एंड करें यस सर यस सर एंड कर दीजिए